Good morning class. This is our new Anna Physio class in which today we will study about the next topic of female reproductive system. देखिए ओवेरियन फॉलिकल्स जो बनता है क्योंकि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं ना तो उसमें हमने कहा ओवेरियन फॉलिकल्स बनता है. ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स बनते हैं इनकी तीन स्टेजेस होती है जिसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्यूबर्टी के बाद. हर एक फॉलिकल में एक ओसाइट होता है. तो देखिए फॉलिकल्स प्राइमोर्डियल ग्रोइंग और मैच्योर फॉलिकल्स जिनको आप ग्रेफियन फॉलिकल्स कहते हैं. प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेवलेंट होते हैं बहुत ज़्यादा. ये कॉर्टेक्स ओवरी के कॉर्टेक्स ये पेरिफ्राई में रहते हैं. सिंगल लेयर होती है इनके ऊपर स्क्वैमस फॉलिकुलर सेल की जो इसे ओसाइट को कवर किए रहती है. ग्रोइंग फॉलिकल्स तीन रिकॉग्नाइजेबल स्टेजेस में होते हैं. अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, लेट प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल जिसको आप एंट्रल फॉलिकल भी कहते हैं. और लास्ट मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जो कि फॉलिकल्स मैक्सिमम साइज में जब पहुंच जाते हैं मैच्योर हो जाते हैं उसको आप ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं. ये तीनों ऊ जेनेसिस के स्टेजेस हैं. ऊ जेनेसिस पढ़ाया था ना मैंने आपको पहले. अब देखिए यहाँ पर ओवरी को बड़ा करके दिखाया गया है. ऊपर से हमें स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना. ये फॉलिकुलर सेल्स हैं जिसके अंदर ओसाइट पाया जाता है. ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहलाता है. ये प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जो कि यूनिलैमिनर होती है. सिंगल लेयर पाई जा रही है ग्रैन्युलोसा सेल्स की. फिर मल्टी लैमिनर प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे जिसमें थीका फॉलिक्यूलाई और जोना पेलुसिडा बन जाती है, लेयर्स बन जाती है. फिर सेकेंड फॉलिकल्स बनेंगे जिसमें थीका फॉलिकल्स बनेंगे, ग्रैन्युलोसा सेल्स बनेगी, जोना पेलुसिडा बनेगा. बीच में ये ओसाइट दिखाया गया और ये उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है. लास्ट जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है एकदम साइज में बड़ा हो जाता है जिसको आप कहते हो ग्राफियन फॉलिकल, जिसकी मेम्ब्रेन दिखाई गई मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा क्यूमुलस ओफोरस जोना पेल्यूसिडा. बीच में ओसाइट है और ये कोरोना रेडिएटा इस ओसाइट के चारों तरफ रेडिएट करती है. और बीच में एंट्रम जो कैविटी है और ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर्स थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना. फिर ये ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर हो जाता है ओव्यूलेशन का प्रोसेस चलेगा उस समय ओसाइट बाहर आ जाएगा और ये बीच में ओसाइट का न्यूक्लियस दिखाया गया और उसके चारों तरफ कोरोना रेडिएटा है. पीछे जो पार्ट बच गया उस वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा जिसमें थीका ल्यूटिन और ग्रैन्युलोसा ल्यूटिन दो पार्ट हैं उसके. और फिर ये कॉर्पस एल्डिकन में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ओवेरियन फॉलिकल्स की एम्ब्रियोलॉजी देखिए. लगभग 8 से 10 हफ्ते लग जाते हैं फीटल डेवलपमेंट में जब ओसाइट जो है वो प्रोग्रेसिवली प्रिकर्सर ग्रैन्युलोसा सेल से सराउंड कर जाता है जो कि बाद में सेपरेट हो जाता है बेसल लैमिना के द्वारा अंडरलाइंग स्ट्रोमा से. बेसल लैमिना के द्वारा अंडरलाइंग स्ट्रोमा से सेपरेट आउट हो जाता है. प्रिकर्सर ग्रैन्युलोसा सेल्स के द्वारा सराउंड हुआ था ये ओसाइट जो है फीटल डेवलपमेंट के 8 से 10वें हफ्ते के अंदर ये चेंजेस चलता है. यहाँ पर ओसाइट ग्रैन्युलोसा सेल्स जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेती है. ओसाइट ग्रैन्युलोसा सेल का कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको आप प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं. ये इसकी जो फॉलिकुलर सेल्स है वो क्यूबॉइडल होती है और स्ट्रोमल सेल्स जो होती है फॉलिकल के चारों तरफ वो प्रोमिनेंट हो जाती है. इस प्रोसेस को ये फीटल ओवरी के अंदर चल रहा होता है 20 से 24वें हफ्ते गेस्टेशन 20 से 24वें हफ्ते के बीच में जिससे क्या बनेगा प्राइमरी फॉलिकल्स. प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स क्या बने प्राइमरी फॉलिकल. ग्रैन्युलोसा सेल्स इसकी अभी भी प्रोलिफरेट करती रहती है और क्लियर जिलेटिनस मटेरियल से सराउंड कर जाती है, ओवा को सराउंड कर लेती है और उससे क्या बनता है जोना पेलुसिडा. ये लार्जर यूनिट इसकी जो है ये एक लार्जर यूनिट है जिसको आप क्या कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं. प्राइमरी फॉलिकल से अब क्या बन गया सेकेंडरी फॉलिकल जोना पेलुसिडा बना करके. तो ये प्राइमरी ओसाइट या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये पैरेंट सेल में तो ये डिप्लॉयड होते ही हैं. होमोजिनस डायार्ड पेयर दिखाई दे रहा है आपको टेट्राड का. इसमें मियोसिस वन होगा, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है, प्रोफेज फर्स्ट चलता है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होगा, सिनाप्सिस और क्रॉसिंग ओवर होंगे. फिर मेटाफेज फर्स्ट के अंदर ये भाई मेटाफिजिक प्लेट पे अरेंज हो जाता है, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन हो रहे हैं मेटाफिजिक प्लेट पे. आना फेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट में ये दूर दूर चले जाते हैं और सेपरेट आउट हो जाते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो अभी भी एक साथ रहते हैं. तो ये यहाँ पर होमोलोगी या होमोलोगी दिखाए गए दो क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगी और इनके साथ में सिस्टर क्रोमेटिड्स. बीच में इनके सेंट्रोमियर है और ये सिनेप्स है इनका जो होमोलोगी क्लोजली होते हैं होमोलोग्स
एसोसिएटेड होते हैं और इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर भी होती है। अब मियोसिस सेकंड में कोई डीएनए सिंथेसिस नहीं होता है या डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज सॉरी फर्स्ट नहीं सॉरी प्रोफेज सेकंड है, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड स्टेजेस चल रही होती है। क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं मेटाफेज सेकंड के अंदर, सिस्टर क्रोमेटिड्स फिर सेपरेट आउट होती हैं चार हैप्लॉइड सेल्स में, रिजल्ट ईच कंटेनिंग हाफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ होमोलॉगी। ये सिस्टर क्रोमेटिड नीचे सेपरेट होती है जिसमें होमोलॉगी से आधे ही क्रोमोसोम रह गए। फोर डॉटर सेल्स बनती है, हर एक एन यानी हैप्लॉइड होती है, यानी 23 सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इनमें पाए जाते हैं। बर्थ के दौरान प्राइमरी ओसाइट जो होता है वो प्रोफेज फर्स्ट में या प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज के अंदर होता है, जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में चलता है। ये ओजेनेसिस जैसे पहले तो माइटोसिस हुआ था ओगोनिया में बर्थ से पहले, और क्या बना था प्राइमरी ओसाइट जो डिप्लॉयड होती है, फिर वहाँ डीएनए रेप्लिकेशन चला बर्थ से पहले, सिनेप्सिस और टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, टेट्राड दिखाए गए हैं प्राइमरी ओसाइट में। फिर मियोसिस फर्स्ट यहाँ कंप्लीट होता है प्यूबर्टी के बाद में, जिससे फर्स्ट पोलार बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट बनता है, यह हैप्लॉयड नेचर का होता है। फिर फर्स्ट पोलार बॉडी से जब मियोसिस सेकेंड होता है तो दो और पोलार बॉडी बनते हैं सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल्स में बनते हैं और कंप्लीटेड होते हैं ओनली फर्टिलाइजेशन अकर। ये प्रोसेस केवल तभी कंप्लीट होगा मियोसिस सेकेंड का जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो सेकेंडरी ओसाइट जो हैप्लॉयड था उसे सेकेंडरी ओसाइट ओव्यूलेटेड हो जाता है मेटाफेज में या मियोसिस सेकंड की मेटाफेज में। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया ओव्यूलेशन के बाद में तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड पोलर बॉडी बनेगी और ओवम बनेगा जो हैप्लॉयड होता है, मैच्योरेशन ऑफ गैमेट यहाँ पे चल रहा होता है। अब इसकी फॉलिकुलर फेज पढ़ते हैं हम। फॉलिकुलर फेज मेंस्ट्रुअल की सबसे पहली फर्स्ट स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज है फॉलिकुलर डेवलपमेंट की, इंडिपेंडेंट होती है ये हार्मोनल स्टिमुलेशन से, मतलब हार्मोन की जरूरत नहीं है, ये स्टेज अपने आप चलेगी। यहाँ पर फॉलिकल्स डेवलप होते हैं पर इनका डेवलपमेंट फेल हो जाता है प्री एंड्रल स्टेज में, और फॉलिकुलर एट्रेशिया हो जाता है विल एंश्योर इफ पिट्यूटरी हार्मोन्स LHFSH आर एब्सेंट। अगर LHFSH हार्मोन जो पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं वो अगर वहाँ नहीं है तो वहाँ पर फॉलिकुलर एट्रेशिया हो जाएगा, यानी लॉस हो जाएगा फॉलिकल्स का, ये फॉलिकुलर फेज। अब ओवेरियन हार्मोन्स का रोल होता है तो फॉलिकल्स के अंदर ही दो देर आर टू सेल्स टाइप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स की प्रोसेसिंग में दो सेल टाइप्स इन्वॉल्व होती हैं, कौन से स्टीरॉयड्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये थीका और ग्रैन्यूलोसा सेल्स होते हैं, दो सेल्स इन्वॉल्व थी, कौन सी सेल्स, थीका सेल्स और ग्रैन्यूलोसा सेल्स। तो यहाँ देखें थीका सेल्स कोलेस्ट्रॉल को एंड्रोस्टेनेडियोन और टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट करती है, टेस्टोस्टेरॉन से फिर आगे इसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है, LH। अब इनके ऊपर FSH एक्ट करेगा जो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, एस्ट्रॉन और एस्ट्राडायोल के अंदर। एस्ट्रॉन को E1, एस्ट्राडायोल को E2 कहते हैं। ये चीज़ें कहाँ चल रही है, ग्रैन्यूलोसा सेल्स में, तो ये दो सेल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें FSH, LH, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरॉन का रोल होता है, तो देखिए मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट से 5 डेज तक फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, फॉलिकल ग्रोथ चलती है, फिर मेंस्ट्रुएशन चलेगा जो कि एंडोमेट्रियम में चेंजेस इसके दौरान आ रहे होते हैं। क्या चेंजेस आ रहे होते हैं कि ये डिस्क्वामेटेड होती है, यानी झड़ जाती है, शेडिंग हो जाती है एंडोमेट्रियम की, और ये हार्मोनल लेवल जो है वो चेंज हो गया है। तो FSH का लेवल तो देखो थोड़ा बढ़ा हुआ है पर बाकी सबका लेवल कम है। फिर 5 से 13 डेज तक फॉलिकुलर फेज चलेगी जिसमें फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और एंडोमेट्रियम प्रोलीफरेट होना स्टार्ट होती है, यानी अपनी थिकनिंग को बढ़ाती है, मोटी होने लग जाती है। 13th डे के बाद 14th डे जो है वो ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओसाइट रिलीज हो जाता है और यहाँ पर एंडोमेट्रियम अभी भी थिकेंड होती जा रही है। इसमें ल्यूटियल फेज भी चलेगी आगे जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा और ये सेकेंडरी एंडोमेट्रियम एकदम मोटी हो चुकी है। अब कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाता है 28 डेज, मेंस्ट्रुएशन 28 डेज पर, और यहाँ पर एंडोमेट्रियम झड़नी स्टार्ट हो जाती है और वापस मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब FSH का लेवल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे राइज होना शुरू होता है। एंडोजिनस गोनाडोट्रोपिन, अब देखिए इस स्लाइड में जो ये क्वेश्चन लिखे हुए ना, ये आपको अपने असाइनमेंट में करने और करके मेरे को भेजने हैं, आप अपने
सीआर को भेज दिया, सीआर मेरे को मेल कर देगा। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे चाहिए। अब एक्सोजिनस गोनाडोट्रोपिन, मैं एक्सोजिनस गोनाडोट्रोपिन का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मल्टीपल फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है जो कि कंटिन्यू डेवलप होते हैं और ओवा को रिलीज करते हैं यानी ओव्यूलेशन करवाते हैं। मल्टीपल गेस्टेशन चलता है 30% के रेट के हिसाब से, और इसका हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, IVF में, मतलब ये गोनाडोट्रोपिन को देना, एडमिनिस्टर करना जिससे कि मल्टीपल फॉलिकल्स बने और डेवलप हुए और ओव्यूलेशन होगा। तो ये सारा प्रोसेस अपन कब करवाते हैं, IVF का, क्योंकि नेचुरल जो अपने अंदर चल रहा है वो तो चल रहा है, उसको तो अपन ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे। तो ये हम करवा रहे हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए अपन ये प्रोसेस करवाते हैं। तो बस ये टॉपिक इतना ही काफ़ी है आज के लिए, इतना काफ़ी है बच्चों। इसको पढ़िए, समझिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए।